इंग्लैंड ने इंडिया को 4 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मैच में 227 रन से हरा दिया है और इस हार की पहली वजह रही टीम इंडिया की घनघोर घटिया बैटिंग। टीम इंडिया दोनों पारियों में मिलाकर इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर की भी बराबरी नहीं कर पाई, जहां एक तरफ इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट अपने 100वें टेस्ट में 218 रन बना देते हैं, टीम इंडिया का एक भी प्लेयर किसी भी पारी में सेंचुरी तक नहीं बना सका। इंग्लैंड ने पहली पारी में जब 578 रन का पहाड़ खड़ा किया था, तभी से इंडियन फैंस को टीम इंडिया के बैट्समैन से उम्मीद थी, पर जिस तरह टीम के बैटिंग ऑर्डर पहली पारी में फेल हुआ तो मुश्किल ही था कि वो दूसरी पारी में ब्रिस्बेन का जादू दिखा पाता। उम्मीद थी कि आखिरी दिन टीम इंडिया लंगर डालकर बैटिंग करेगी, पर पहले ही सेशन में 5 विकेट गंवाने वाली टीम इंडिया की सबसे ज्यादा नाक तो बैट्समैन ने ही कटवाई। दूसरी वजह थी टीम इंडिया की बेअसर बॉलिंग। पहले दिन जब इंग्लैंड के बैट्समैन ने इंडियन बॉलर्स का पसीना निकाला था, बस तभी से पता चल गया था कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। टीम इंडिया के बॉलर्स ने पूरे मैच में 27 नो बॉल्स फेंकी, जो कि बताता है कि टीम इंडिया का बॉलिंग डिसिप्लिन और लाइन एंड लेंथ कितनी पते पर थी। 5 बॉलर्स के साथ उतरी टीम इंडिया में अश्विन अकेले ऐसे बॉलर्स थे जिनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी। शाहबाज नदीम के लिए ये टेस्ट बुरा सपना था। टोटल 9 नो बॉल फेंकने वाले नदीम अपना तीसरा टेस्ट मैच कब खेलेंगे, इस मैच के बाद ये कहना काफी मुश्किल है। इसके अलावा बॉलिंग में कुलदीप यादव को ना खिलाना भी टीम इंडिया के लिए उल्टा पड़ गया। क्या पता कुलदीप होते तो अपनी स्पिन के जाल में रूट एंड कंपनी को उलझा पाते। तीसरी वजह है टीम इंडिया के ओपनर्स। इंग्लैंड के स्कोर को अगर चैलेंज करना था तो रोहित शर्मा का चलना जरूरी था, बट रोहित दोनों ही इनिंग्स में फ्लॉप रहे। पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 12। चेन्नई में रोहित की बैटिंग का डूब गया सितारा। ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ स्टार्ट दे पाए रोहित, यहां एक डिसेंट स्टार्ट भी नहीं दे पाए। और दूसरी तरफ शुभमन गिल, यंग स्टार जिनको समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर 50 से नहीं डैडी 100 से जाना जाता है। 4 टेस्ट की 8 इनिंग्स में शुभमन सिर्फ एक बार सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, लेकिन 25 से 50 रन के बीच गिल का 6 बार आउट होना बताता है कि लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए गिल को लंबी इनिंग्स ही खेलनी होंगी। चौथी वजह है अजिंक्य रहाणे का स्पिनिंग पिचेस पर स्ट्रगल। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी भले ही अभी तक स्पॉटलेस हो, पर जिस तरह से इंडियन पिचेस पर रहाणे स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम के मिडल ऑर्डर में वो सबसे बड़ा वीक स्पॉट बन रहे हैं। मेलबर्न में सेंचुरी के बाद रहाणे सिडनी और ब्रिस्बेन दोनों टेस्ट में फेल रहे थे, और चेन्नई टेस्ट में वो जिस तरह एक रन और डक बनाकर आया राम गया राम बने, टीम इंडिया उनके डिसमिसल से और ज्यादा बैकफुट पर आ गई। रहाणे टीम में है इसलिए केएल राहुल और हार्दिक पांड्या टीम से बाहर हैं, इसलिए टीम के वाइस कैप्टन रहाणे जितनी जल्दी फॉर्म में वापस आ जाएं, टीम और उनके करियर दोनों के लिए ही अच्छा होगा। और चेन्नई टेस्ट हारने की आखिरी वजह है जडेजा का टीम में ना होना। रविंद्र जडेजा पर टीम इंडिया कितनी डिपेंडेंट है, ये हमें चेन्नई में देखने को मिला। ऑलराउंडर की कमी थी इसलिए टीम बैलेंस के लिए जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, जो बॉलिंग में जरा सा भी मार्क नहीं छोड़ पाए। लेफ्ट आर्म स्पिन की कमी थी इसलिए शहबाज नदीम को खिलाया गया, जो बिल्कुल ही बेअसर थे। अब टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि जडेजा जल्दी से जल्दी ठीक होकर टीम में वापस आ सकें, ताकि इंडियन टीम इस सीरीज में वापसी कर सके। ये थी मेरी 5 वजह। आपको क्या लगता है कि क्या थी टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह? कमेंट बॉक्स खुला है आपके ही विचारों के लिए। बाकी क्रिकेट से जुड़ी सारी न्यूज सारे अपडेट्स मिलेंगे आपको यहीं पर। देखते रहिए अनकट।